हेलो दोस्तों, सो ब्यूटीफुल विमेंस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपके बच्चे भी बहुत हेल्दी होंगे। तो आज बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं कि गर्मियों में हम अपने बच्चों के काले रंग को किस तरह से बचा के रख सकते हैं, धूप से कैसे बचाएं, सन टैन से कैसे बचाएं। मम्मा आज को बड़ी टेंशन होती है इस चीज़ को लेकर, है ना? तो इंडिया में तो डेफिनेटली हम मम्माज का कंसर्न रहता है कि मेरा बच्चा काला ना हो जाए, बेटा धूप में मत जाए, ये लगा ले, है ना? तो हम बहुत कुछ करते हैं। तो आज मैं सबसे पहले जो चीज, एक वहम है, उसको दूर करना चाहती हूं कि कोई भी काली स्किन जो है एकदम से दूध की तरह गोरी नहीं हो सकती। टाइटल में लिखती हूं, लेकिन वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो के अंदर जो होता है बहुत ही क्लियर, बहुत ही क्लीन होता है, ठीक है? और यू नो टाइटल तो टाइटल होते हैं, तो वीडियो पूरी सुना करें, पूरी देखा करें। और बच्चे का जो रंग है वो हमारे पेरेंट्स, हमारे जीन्स पे जाता है, तो उसके साथ अपना कंपेयर मत कीजिए। टैन स्किन जो होती है वो ग्लोइंग होनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आप अपने बच्चे की स्किन की ग्लोइंग और उसको हेल्दी रखने में आप हेल्प करें अपने बच्चों की, ना कि ये कि मेरा बच्चा दूध की तरह वाइट, सफ़ेद और चिट्टा हो जाए। इस पे ध्यान मत दीजिए। स्किन टोन किसी भी तरह का हो, बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यारा होता है, बस उसको हेल्दी कैसे रखना है, उसको चमकाना कैसे, ग्लोइंग कैसे बनाना है, आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अच्छे से देखें। अगर आप भी अपने बच्चे की धूप से हुई टैन स्किन को एकदम से ग्लोइंग क्लीन करना चाहते हैं और अपने बच्चे को स्वस्थ एंड हेल्दी स्किन देना चाहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं रेमेडी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपके घर में, आपके किचन में सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, उनको बस आपको इकट्ठा करना है, बोल में डालना है, चेहरे पे अप्लाई करना है, हल्की सी बच्चों की आपने मसाज करनी है और देखिएगा स्किन कितना अच्छा रिजल्ट आपको देती है, स्किन एकदम से हेल्दी हो जाती है एंड क्लीन हो जाती है। तो करना क्या है मैं बताती हूँ, करना कुछ नहीं है, एक बोल लेना है, उसके अंदर हम डालने वाले हैं बेसन। बेसन में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, बेसन में स्क्रबिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, बेसन स्किन के ओपन पोर्स को क्लीन करता है, सन टैन से जो स्किन काली हो जाती है, धूप से जो स्किन एकदम से बिगड़ जाती है, उसको रिपेयर करने में बेसन बहुत हेल्प होता है। तो आपने बेसन डालना है, आप अपने बच्चे के हिसाब से डालिए, मैं ज़्यादा बनाती हूँ हमेशा के, तो 2 चम्मच आपने बेसन डाल देना है, उसमें आधा चम्मच आप एलोवेरा जेल डालें, घर का एलोवेरा जेल है तो बेस्ट है, क्योंकि इंस्टेंट रेमेडी बनाना है, इंस्टेंट यूज़ करना है, बना के रखना नहीं है, तो आप घर का एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हैं, मार्केट वाला है तो वो भी आधा चम्मच इसके अंदर डाल दीजिए। अब हम इसके अंदर 1/4 चम्मच डालने वाले हैं ऑयल। ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बादाम का, नारियल का, जो भी आपके पास अवेलेबल है, तो वो ऑयल इसके अंदर डाल दीजिए 1/4 चम्मच। अच्छे से तीनों को मिक्स करें और इसमें डालिए आप रोज वाटर। रोज वाटर डाल के एक थिक सा पेस्ट बना लीजिए, इसको थोड़ी देर के लिए रखना है ताकि जो बेसन के कण हैं वो दरदरे होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। फिर इसको चेहरे पे अप्लाई करें, सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए इसको निकाल दीजिए, रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, वन टाइम का रिजल्ट ही बहुत अच्छा एंड लाजवाब आपको मिलेगा। ट्राई करके जरूर देखेगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल मत करें। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।